क्या पीरियड्स में संबंध बनाने से जो महिला है वो गर्भवती हो सकती है? क्या अगर आप किसी आपकी कोई फ्रेंड है, आप किसी के साथ रहते हैं बहुत लंबे समय तक, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप दोनों के जो पीरियड्स है, जो मासिक धर्म है, वो एक ही डेट पे आने लगेंगे हर महीने में? तो ऐसे बहुत सारे डाउट और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पीरियड से रिलेटेड, तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ वीडियो में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी सी चीज़ से कि जो पीरियड्स होते हैं एक महिला को, तो उस समय पे क्या होता है कि जो पोटी वाली चीज़ होती है, जो बावल वाली चीज़ होती है, उसके अंदर फ़र्क आता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता और सब लोग ऐसा समझते कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है और ऐसा पीरियड्स की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ये पीरियड्स की वजह से होता है। ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ महिलाओं को क्या होता है कि कब्जी जैसा हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है वो, और कुछ महिलाओं को क्या हो जाता है कि स्मेली डायरिया हो जाता है, मतलब कि जो लूज मोशन होते हैं, दस्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक केमिकल होता है जो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, वो रिलीज़ करता है क्या आपका गर्भाशय, आपका गर्भाशय वो रिलीज़ करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और वो रिलैक्स हो सके। वो किस लिए? क्योंकि उसको जो भी मटेरियल है, जो उसकी लाइनिंग है और उसके साथ जो ब्लड है, जो कुछ डिस्चार्ज है, वो उसको निकालना है, जो कि क्या चीज़ है जो पीरियड्स में आपके पैड पे आपको दिखाई देता है, वो सब कुछ उसको निकालना है। इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, मतलब कि ऐसे भिजता है और खुलता है। तो इसके लिए वो केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल क्या करता है, आपके पेट पे, आपकी आंतों पे भी काम करने लग जाता है। इसकी जैसे जो आपकी पोटी है उसके अंदर आपको फर्क दिखाई देता है कि मतलब कुछ महिलाओं को तो कब्जी हो जाती है और कुछ महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ, वो पीरियड्स की वजह से हो रहा है, आप सही सोच रही हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है ये पीरियड्स के टाइम पे, तो ये एक ऐसी थॉट नहीं है, फर्स्ट चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, सेकंड चीज़ के बारे में। सेकंड चीज़ क्या है कि जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट की थी कि पीरियड्स में अगर संबंध बनाया जाए तो महिला गर्भवती हो सकती है। अब आप सोचोगे कैसी बात कर रही है यार, पीरियड्स तो उस टाइम हो ही रहे हैं और हमने तो आपकी वीडियोज़ देखी हैं और हमें तो पता है कि अंडा चाहिए और स्पर्म चाहिए, किसके लिए? गर्भवती होने के लिए, बच्चा बनने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, अंडा चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर क्या होते हैं, जिन महिलाओं के जो मासिक धर्म होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, वो इररेगुलर होते हैं, मतलब कि जो डेट है वो फिक्स नहीं है, उनके अंदर ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो शुक्राणु है वो 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है अंदर जाने के बाद, और अगर आपने संबंध बनाया पीरियड स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले, तो आपके अंदर अंडा हो सकता है उस टाइम पे। और कुछ महिलाओं के और जो अंडा होता है वो भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, 1-2 दिन तक। तो फिर वो अगर मिल जाएंगे, अगर आप पीरियड्स के टाइम पे संबंध बनाएंगे, तो आप गर्भवती हो सकती हैं। तो ये एक मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू ही है कि हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, वो फैक्ट है। ओके, तो अगर आप पीरियड्स के टाइम पे संबंध बनाती हैं तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। ओके, ये आपके लिए एक राय है। उसके बाद अगली जो थर्ड चीज़ आती है वो कि आपकी, आप पहले तो आपके पीरियड्स अलग अलग डेट पे आते थे, लेकिन जब से आप रूममेट बनी हैं, आप बेस्ट फ्रेंड्स बनी हैं, आप दोनों साथ रहने लगे, आपके अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तब से क्या हो गया कि जो आपकी डेट्स है वो सिंक करती है, मतलब कि वो एक ही दिन होने लग गए हैं, हर महीने आपको उन्हीं डेट्स पे पीरियड्स होते हैं, या फिर आपकी सिस्टर के साथ या किसी के भी साथ। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं कि ऐसा साथ रहने से होता है या अच्छी बॉन्डिंग से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक कोइंसिडेंस है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बारे में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप उनके साथ रह रहे तो उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ लड़कियों की तो मैंने ये सुना कि मुझे मत बता प्लीज़ कि तुझे पीरियड्स हो रहे हैं, कि आप तू मुझे बताएगी तो मुझे भी हो जाएंगे सुन के। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक मिथ है। अगर ऐसा कुछ भी है तो थोड़े दिमाग से निकाल दो अपने। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि रिसर्चेस भी हो चुकी है, पहले जो रिसर्चेस हुई थी उसके हिसाब से बताया गया था कि यह ऐसा है कि अगर आप साथ रहते हो तो सेम डेट पे पीरियड्स होने लग जाते हैं। लेकिन अभी 2006 के अंदर रिसर्च हुई है जिसके अंदर यह बताया गया कि वो सिर्फ कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई केमिकल ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं होता जिसकी वजह से जो डेट्स हैं वो सेम दिनों पर आने लग जाएंगी। तो इट्स जस्ट अ मिथ, तो इसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगले फैक्ट के बारे में। अगली चीज़ क्या है कि जब भी विंटर्स होती है, जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के अंदर जो लड़कियाँ वो डरने लगती है कि अभी तो जो पीरियड्स है, जो मासिक धर्म है, जो ये दिन है ना, वो और मुश्किल होने वाले हैं। तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, वो मुश्किल होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप
क्या है कि विंटर्स के अंदर 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 रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं और बिल्कुल मतलब सिकुड़ने का मन करता है, बाहर जाने का मन नहीं करता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको सनलाइट नहीं मिलती है ज़्यादा। तो सनलाइट नहीं मिलने के कारण आपकी जो बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, वो रिलीज नहीं होता। और वो क्या है, वो एक ऐसा केमिकल है जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, जो मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए आपको जो मूड स्विंग्स हैं वो सब कुछ ज़्यादा दिखाई देता है विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं, जब ठंड होती है, तो पेन जो होता है वो आपको ज़्यादा होता है, जो मतलब कि ऐसा फीलिंग होती है दर्द की, क्रैम्प्स की, वो ज़्यादा होती है। विंटर्स में तो वो बिल्कुल ठीक है, वो होती है और पीरियड उस टाइम पे वर्सन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप एक हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्म जो लिक्विड होता है हॉट वाटर होता है पीने के लिए पानी, वो भी पी सकते हैं। तो वो सब कुछ आपकी हेल्प करेंगे। और सनलाइट आपको ज़रूर लेनी है। अगर आप सनलाइट की थोड़ा सा देर मतलब दिन में सनलाइट में बिताते हैं तो उससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, क्रैम्प्स व्रैम्प्स भी नहीं होंगे, हीट भी मिलेगी बॉडी को, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और विंटर्स में वो वजन हो जाते हैं, ये सिर्फ आपकी थॉट नहीं, वो होते हैं। उसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे 4 से 5 दिन तक हमें ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में से खून निकल गया है, और मतलब कि बिल्कुल कितने लीटर में खून निकल गया होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊंगी तो आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि वो कितना होता है, 60 to 80 ml सिर्फ ब्लड निकलता है आपके अंदर से। और आपको ये ज़्यादा क्यों लगता है, आपको वो ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि खून होता है, ब्लड होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी जो लाइनिंग है वो निकलती है साथ साथ, वो होती है, उसके साथ साथ जो आपकी योनि है उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो निकलता है। तो वो सब कुछ मिल करके आपको वो ज़्यादा लगता है कि हाँ, आपको बहुत सारे पैड चेंज करने पड़ रहे हैं। और जो उसके साथ चीज़ें इंक्लूडेड होती है पीरियड्स के साथ, जैसे कि दर्द, क्रैम्प्स आपके, उसके साथ साथ आपके बार बार पैड चेंज करने के लिए और पेन हो रहा है, वो सब कुछ, और आपको क्या है कि ये टेंशन कि कहीं दाग तो नहीं लग गया है, वो सब कुछ, और क्या है कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो उसमें दिक्कत, मतलब पूरे वो 5 दिन दिमाग खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ। लेकिन वो उतना ज़्यादा अमाउंट में खून नहीं होता, लीटर्स में बॉटल भर भर के खून नहीं निकल रहा आपका। और ये जो मैंने अमाउंट बताया वो एक दिन का नहीं था, वो पूरे जो पूरी साइकिल है आपकी उसके अंदर सिर्फ इतना ही खून आपका निकलता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी अमेजिंग लगी जो आपको नहीं बताती, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि हाँ, हमें मतलब आपसे ही जानिए, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।